हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में टर्म वन के एग्ज़ाम के लिए। तो टर्म वन के एग्ज़ाम की डेट शीट के लिए बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दो तीन दिन में उनका जो वेट है वो ख़त्म हो सकता है। जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि 10 अक्टूबर के आसपास डेट शीट आ जाएगी। दो तीन दिन के अंदर ऐसा हो सकता है कि CBSE अपनी तरफ से डेट शीट को रिलीज़ कर दे और जो एग्ज़ाम है वो 15 नवंबर के आसपास कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, जो कि डेट शीट में क्लियर हो जाएगा। कुछ बच्चों का ये डाउट है क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंफर्म है और दोनों ही क्लासेस के होंगे, यानी 10th क्लास और 12th क्लास। 10th क्लास का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो टर्म वन में 10 मार्क्स का होगा और 10th क्लास का टर्म वन में 10 मार्क्स का, और 12th क्लास का भी टर्म वन के लिए 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 12th क्लास के लिए 15 मार्क्स होंगे और क्लास 10th के लिए 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी थ्योरी वाला जो पार्ट होगा वो क्लास 12th के लिए 70 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल होंगे वो 30 मार्क्स के। वहीं क्लास अगर 10th की बात कर ली जाए तो 80 मार्क्स का, यानी 40 मार्क्स टर्म वन और 40 मार्क्स टर्म टू, दोनों मिला के 80 मार्क्स का थ्योरी वाला पार्ट होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर बाय चांस टर्म वन के मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिए तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टर्म वन का जो वेटेज है वो 50% सिलेबस का है। 50% सिलेबस से जो है वो एग्ज़ाम में आएगा, तो 50% सिलेबस का कंट्रीब्यूशन समझ सकते हो। टर्म वन तो देना बहुत ज़रूरी है, बाय चांस टर्म टू में कोरोना आ गया तब क्या करोगे। तो टर्म वन का ही जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट बना दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल वगैरह एग्ज़ाम और जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके थ्रू बना दिया जाएगा। ये मैंने पहले की वीडियोस में भी क्लियर किया है 10th और 12th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो टर्म वन का एग्ज़ाम किसी को भी नहीं छोड़ना है, हर हालत में सबको देना है और बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है। ठीक है, और इस तरह से तैयारी करना है कि यही मेरा फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है। ठीक है, इस तरह से तैयारी करो। दूसरी बात, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगी, बच्चों का डाउट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो उन्होंने अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने कहीं जाते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होता है, इतने नंबर कट हो जाते हैं अगर गलत करते हैं। तो ऐसा 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। वो जितना अटेम्प्ट करेंगे उसको उनको उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। अगर उन्होंने 4 क्वेश्चन के अटेम्प्ट किए हैं और 2 गलत कर दिए हैं तो पूरे 6 क्वेश्चन में जो 4 सही है उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस चैनल के साथ जुड़े रहो। मैंने RD शर्मा और NCERT के कुछ चैप्टर की वीडियो डाल दी है, आगे भी हम डालते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़ते रहो और आगे की जो भी अपडेट आएगी वो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।